ये है कार इन्वर्टर दोस्तों, ये 12 वोल्ट पे काम करता है। नॉर्मली जो कार का जो 12 वोल्ट आउटपुट है, आप इस पे कनेक्ट करो और इसका जो बाद में ये जो है इसको कन्वर्ट करके 220 वोल्ट एसी पे कन्वर्ट करता है। और इसका जो पावर है वो 200 वाट्स का पावर है इसमें। नॉर्मली आप इसमें से फ़ोन चार्ज कर सकते हो या तो नॉर्मली मोबाइल का चार्जर है वो भी लगा सकते हो। समझो कहीं लंबा सफ़र में निकल पड़े हो जहाँ पर आपको लैपटॉप में कुछ काम है, तो आप इस यूनिट को यूज़ करके बाद में आप अपना लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको अभी इस इन्वर्टर से इस लैपटॉप को प्रैक्टिकली मैं आपको चार्ज करके बताता हूँ और इसमें कई सारा पोर्ट है, क्या फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, क्या क्या सिस्टम है, मैं आपको इसको वो दिखाने वाला हूँ। इसके लिए मैं तीन चीज़ लाया हूँ। ये लैपटॉप का चार्जर जो नॉर्मली इससे लैपटॉप चार्ज होने वाला है, और ये देखो ये मेरा आईफोन का चार्जर जिससे मेरा फ़ोन चार्ज होने वाला है, और ये है यूएसबी केबल जिससे मेरा डायरेक्टली मेरा फ़ोन चार्ज हो जाएगा। दोस्तों इसमें कुछ डिटेल दिया हुआ है, देखो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डिटेल जो भी चीज़ है इस मशीन का, इस प्रोडक्ट का, उसमें दिया हुआ है। नॉर्मली इसमें से आप स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हो, बाद में लैपटॉप चार्ज कर सकते हो, और अपने ये ओवरलोडेड जो शॉर्ट सर्किट है उसका फैसिलिटी इसमें दिया हुआ है। बाद में हाई वोल्टेज का जो लो वोल्टेज का जो एडजस्टमेंट सिस्टम है उसमें वो दिया हुआ है, टेम्परेचर कंट्रोल दिया हुआ है, तो कई सारा सिस्टम इसमें दिया हुआ है। बाद में चार स्मार्ट यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। तो देखते हैं अभी इसमें खोल के ये इसमें क्या क्या दिया, अरे खोलने का, हाँ ये, और ये दोस्तों ये जो है ये कजार कंपनी का है। ओके, ये बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या दिया हुआ, ये ओके यूज़र मैनुअल दिया हुआ है। ओके, इसको मैं अभी साइड में रखता हूँ। ये देखो इस तरह का है, आपको दिख रहा है। और ये देखो यहाँ पर पोर्ट दिया है, 1 2 3 4, यहाँ पर चार पोर्ट दिया हुआ है। नॉर्मली इससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो, पावर बैंक चार्ज कर सकते हो, हर तरह का इसमें से काम कर सकते हो। और ये है एसी आउटपुट जहाँ से आप नॉर्मली अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हो, है ना। कभी कभी जुगाड़ तरीके से आप अपना एलईडी बल्ब वगैरह जला सकते हो। ये देखो कुल मिलाकर जो भी जो एसी वोल्ट पे काम करता है वो चीज़ें यहाँ पर चलेंगे। ये देखो लेकिन 200 वाट्स तक इसका हाई आउटपुट इसका लिमिट है, उसके हिसाब से आपको यूज़ करना है। 200 वाट्स का है ये इसका पावर। चलो तो फिर देरी किस बात की, अभी इसको जल्दी से हम इसको कनेक्ट करते हैं और कार को स्टार्ट रखेंगे ताकि बैटरी लो ना हो जाए, है ना। तो ये मेरा चाबी है और इसको बटन दबाते, यस कार स्टार्ट हो गया। मैंने वापस चाबी रख दिया है और ये जो पावर पॉइंट है ये यहाँ पर आउटपुट जो 12 वोल्ट का आउटपुट है यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ये यहाँ पर लगाएंगे, ये लग गया है। अब देखेंगे यूनिट चालू हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो डिस्प्ले ऑन हो गया है और इसके अंदर एक फ़ैन है, मैं फील कर पा रहा हूँ यहाँ से हवा निकल रहा है। देखो ये यहाँ से फ़ैन है ताकि ये यूनिट गर्म ना हो जाए इस वजह से। ओके, तो इसको क्या हम नॉर्मली पीछे का सीट में यहाँ पर रख के, ऐसा इजीली यहाँ पर रख के बाद में अपना लैपटॉप का जो चार्जर इस पर यहाँ पर कनेक्ट करके आराम से पीछे के सीट में बैठ के इसको लैपटॉप अपना चला सकते हैं लैपटॉप। तो दोस्तों ये देखो ये यूनिट चालू है, तो हम सबसे पहले फ़ोन का चार्जर लगाएंगे। ये यहाँ पर हमने डाल दिया है और अब देखेंगे फ़ोन चार्ज होता है कि नहीं। ये मेरा फ़ोन रखा है आईफोन, अब हम इसको चार्ज करेंगे। इस पिन पे लगाएंगे ऐसा, ये देखो चार्ज हो रहा है। ये देखो ये चार्जर कनेक्ट है और ये चार्ज हो रहा है। वाह भाई वाह, कितना आसान था, आपने देखा। नॉर्मली डायरेक्टली फ़ोन का चार्जर से भी चार्ज हो जाएगा। ये देखो ये तो बहुत ही कमाल का बात है। मैं आपको फिर से डिस्कनेक्ट करके बताता हूँ। ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, देखो ये डिस्कनेक्ट कर दिया, ये चार्ज नहीं हो रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है सब। ये देखो ये लैपटॉप मैंने रखा है ये चार्जर, ये देखो ये अगर जैसे इसको मैं वापस से ऐसा ये कर दूँगा, चार्जिंग पे लगा दिया मैं, ये कनेक्ट कर दिया, ये चार्ज हो रहा है, 61% चार्ज है। ये देखो चलो अब इसको निकाल देते, अब दूसरा ऑप्शन से अपने ये डायरेक्टली चार्जर हटा देंगे। अब इसको अब हम डायरेक्टली जो है ना वो यूएसबी लगाएंगे, जो इसका साथ जो डायरेक्टली जो ये जो मेन यूएसबी है ये लगाएंगे। तो उसके लिए अपने को ये देखो ये जो ये टू ये है ना साइज़ क्या बोलते हैं उसको, ये आईफोन में लगने वाला, ये देखो ये तो हमारा यहाँ पर पोर्ट दिया हुआ है चार, तो हम किसी एक में लगा के देखेंगे ये कनेक्ट होता है कि नहीं। ये कनेक्ट कर दिया मैंने, ये देखो ये ठीक है, और हम सीधा सेम ऐसे ही मेरे आईफोन में लगाएंगे यहाँ पर। ये देखो चार्ज हो रहा है,
वाह भाई वाह, ये देखो ये आपको दिख रहा है, ये कनेक्ट है, ये देखो चार्ज हो रहा है, मज़ा आ गया भाई। तो आप ऐसा नॉर्मली एक साथ चार फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 है देखो, तो एक साथ चार फ़ोन को चार्ज कर सकते हो और साथ में लैपटॉप को भी चार्ज कर सकते हो, मतलब एक लैपटॉप सॉरी ये देखो यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हो, तो कुल मिलाकर 2 लैपटॉप और 4 फ़ोन आप यहाँ पर यहाँ से चार्ज कर सकते हो एक साथ में। और यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है, और देखो ये साइड में फ़ैन दिया हुआ है कूल होने के लिए, कूलिंग होने के लिए। चलो अब बारी है लैपटॉप चार्ज करने का, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया, यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है। अब जो चार्जर पॉइंट है हम यहाँ पर लगाएंगे लैपटॉप में, तो देखेंगे लैपटॉप बाद में चार्ज होता है कि नहीं होता है। ये इस साइड में है पिन, ये देखिए ये यहाँ पर है चार्जर पिन, तो हम इसको यहाँ पर लगाएंगे। ये लग गया है, अब चार्ज हो रहा है कि नहीं देखेंगे। ये देखो भाई लैपटॉप चार्ज हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये देखो देखना, ये मैंने अभी डिस्कनेक्ट, देखो यहाँ पर मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है ना, तो ये देखो ये बंद हो गया, देखो यहाँ पर चार्ज होना बंद हो गया। वापस इसको मैं कनेक्ट कर दूँगा, ये कनेक्ट कर दिया, देखना अब यहाँ पर चार्ज होगा, ये देखो ये चार्जिंग हो रहा है, देखो ये आपको दिख रहा है क्लियरली, देखो चार्ज हो रहा है, वाह भाई वाह, ये देखो मज़ा आ गया। ये देखो ये चार्जर कनेक्ट है, हम अभी इस लैपटॉप को आराम से पीछे बैठ के, पीछे के सीट में बैठ के यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग को में कनेक्ट करके। ये लैपटॉप चार्ज हो रहा है, मज़ा आ गया। अब लॉन्ग टाइम चलने दो, कहीं भी घूमने जाएंगे, गोवा घूमने जाएंगे और लैपटॉप अपना काम करते रहेंगे, है ना, कार चलते रहेगा और अपना लैपटॉप चार्ज होते रहेगा और मस्त हम लॉन्ग टाइम चलते रहेंगे। कहाँ जाएंगे? गोवा घूमने। दोस्तों थोड़ा टाइम चार्ज हुआ, देखो बैटरी फुल हो गया, ये देखो बैटरी बिल्कुल फुल, ये चार्जिंग का दिख रहा है ना, ये नॉर्मल देखो चार्जर कनेक्ट है दिख रहा है पर अभी चार्ज हो नहीं रहा है क्योंकि बैटरी बिल्कुल फुल हो गया है। देखो अगर हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, देखना यहाँ से ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया और देखो चार्जिंग सिंबल हट गया है ना, हम वापस इसको लगा देंगे चार्जिंग को, ये देखो अब चार्ज होने लगा फिर से, बैटरी बिल्कुल फुल हो गया है देखो। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये काजा 200 वाट्स पावर इन्वर्टर आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी आपको अगर ये अगर यूनिट खरीदना है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा करके खरीद सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।